पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गार्डन नरिच इलाके में व्यवसायी के घर में प्रवर्तन निदेशालय में मोबाइल गेमिंग ऐप के फ्रॉड के मामले में करोड़ों रुपए जब्त किए गए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपए की जब्ती के बाद ईडी को दूसरी बार इतनी बड़ी राशि जब्त कराने में सफलता मिली। इस मामले में भी प्रभावशाली कनेक्शन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गार्डन नरिच के उस घर से करीब 17 करोड़ रुपए बरामद हुए। खबर लिखे जाने तक नोटों की गिनती जारी है। गार्डन नरिच के परिवहन व्यवसायी निसार अहमद खान और आमिर खान के घर में ईडी की रेड के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन कोलकाता शहर और राज्य के निवासी अब यह जानने के लिए उत्सुक है कि इतनी बड़ी राशि की असली मालिक कौन है। क्या इसमें कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल है? इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि व्यापारी के घर की दूसरी मंजिल पर पलंग के नीचे रखी पैसों की इतनी सटीक खबर जांच एजेंसी तक कैसे गई। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी के शब्दों में, बिना किसी विशेष सूचना और सूचना के इतनी गहनता से कहीं भी छापेमारी या तलाशी लेना संभव नहीं है। यह अभियान विशिष्ट टिप ऑफ पर आधारित है। चाहे वह पार्थ चटर्जी अर्पिता का फ्लैट घर हो या इस गार्डन नरिच व्यवसायी का घर, कहीं भी पैसा खोजने के लिए दीवारों को तोड़ने का कोई अतिरिक्त काम करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें अंदाज लगाया जा सकता है कि ईडी के अधिकारियों को कहीं से पुख्ता जानकारी मिली थी। पूर्व अधिकारी ने आगे कहा कि यह साफ है कि पैसा हाल ही में लाया गया था और यहां रखा गया था। हो सकता है कि पैसे लाकर शुक्रवार की रात बिस्तर के नीचे रख दिया गया हो, यह गुरुवार को पैसा रखा गया हो। पैसा ट्रांसफर होने से पहले खबर चली गई थी, क्योंकि कोई भी अपने घर में ज्यादा समय के लिए इतना पैसा नहीं छोड़ता है। यह सामान्य नहीं है। नैतिक जतन यह मान लेना चाहिए कि उस घर में लंबे समय से पैसा नहीं रखा गया। इस मामले में तुरंत जांच एजेंसी की सूचना भेजी गई थी। ईडी ने शनिवार को कोलकाता में कुछ 6 जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। उसके बाद गार्डन नरिच इलाके में एक व्यापारी के बिस्तर के नीचे प्लास्टिक में लिपटे 500 और 2000 रुपए के नोट बंडल मिले। ईडी सूत्रों के मुताबिक आमिर खान नाम के बिजनेसमैन इस बात को कोई जवाब नहीं दे पाए हैं कि उन्हें करोड़ों रुपए कहां से मिले, बंडल उनके बिस्तर के नीचे कैसे आ गया जैसे कि उम्मीद थी।